दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, चौथे दिन बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी है। आज हल लेकर पहुंचे हैं बीजेपी विधायक। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार बीजेपी के विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसी दिन मास्क लगाकर, किसी दिन बोतल में पानी लेकर, गंदा पानी लेकर, किसी दिन हल लेकर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। और आज हल लेकर के पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। जब से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, बीजेपी रोज नए मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मास्क सिलेंडर लेकर प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी की तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 16 जनवरी को मास्क और सिलेंडर लेकर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया था, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मामला उठाया था। दूसरे दिन काली पगड़ी पहन करके विधानसभा पहुंचे, केजरीवाल सरकार के इस्तीफे की मांग की। वहीं 18 जनवरी को गंदा पानी लेकर के पहुंचे थे विधायक और आरोप लगाया था कि दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। और आज हल लेकर के पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चौथे दिन भी जारी है। एक और आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खुले हुए हैं, एलजी को लेकर के निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी विधायक भी पलटवार कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का चौथा दिन और तस्वीरों के जरिए आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्षी बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर आज कौन से मुद्दे के ऊपर चर्चा के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। विधुड़ी जी, आप किसान क्यों बने हुए हैं आज? निजामुद्दीन के पास एक गांव है नंगली रजापुर, उस गांव की जमीन 22 दिसंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से एक्वायर की है। यदि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसान की जमीन एक्वायर की जाती है तो कम से कम 10 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कृषि का दर्जा किसानों से छीन लिया, लाल डोरा बढ़ाया नहीं गया। जिस किसान की जमीन एक्वायर हो रही है उसको अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया नहीं जा रहा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी नहीं जा रही, ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया गया है, सेक्शन 81 और 33 हटाई नहीं गई। किसान की मृत्यु हो जाए तो उनके लीगल हियर्स के नाम, बेटा बेटी के नाम जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है। किसानों के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार घोर अन्याय और पाप कर रही है, किसानों की जमीन को कौड़ियों के दाम पर लूट रही है। आज हम विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक किसानों के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो लूट की जा रही है, इस लूट का जमकर विरोध करेंगे। जिन विषयों पे उनका कोई अधिकार नहीं है, जिन विषयों पे सरकार का कोई रोल नहीं है, एलजी नगर निगम, वैसे विषय को विधानसभा में लाया जाता है जहां उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि नंगली रजापुर गांव की जो जमीन है वो महज 22 लाख रुपए एकड़ में मुआवजे के तहत ली जा रही है, जबकि देश के अंदर नियम ये है कि करोड़ों के अंदर उस जमीन का दाम है। लिहाजा 280 के तहत बीजेपी के आज 5 विधायक चर्चा में शामिल होंगे। इस मुद्दे के ऊपर दिल्ली सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। वीर जर्नलिस्ट मुकेश सांकला के साथ तरुण कालराजी, मीडिया दिल्ली। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।